आज मैं आपको वेस्ट मटेरियल से पीकॉक बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए लेंगे ये कोल्डने की बोतल, इसको यहाँ से कट करेंगे। ये इसे मैंने यहाँ से इतना और ये कट कर लिया है। अब हमें इसके और इसके साइज का सर्कल काटना है। इस तरह से टू सर्कल हम कार्डबोर्ड के ऊपर से कट कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों सर्कल कट करके इन दोनों के ऊपर और ये दोनों सर्कल के ऊपर ये ऐसा ब्लू कलर का पेपर लगाएंगे। इस तरह से ये ब्लू शीट इसके ऊपर लगाएंगे। ये मैंने इसके ऊपर पेपर लगा दिया है और इनके नीचे ये सर्कल भी लगा दिए हैं। अब ऐसे एक कार्डबोर्ड लें, इसके ऊपर पीकॉक का फेस ड्रॉ करें। और इसे कट कर लें, ऐसे हमें टू चाहिए हैं। ये टू पीसेस हमने कट कर लिए हैं और साथ ही ऐसे थर्मोकोल लेकर फ्लैट इसके ऊपर भी ये पीकॉक रखकर इस तरह से ड्रॉ करें और इसका इसको भी कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से ये पीकॉक लगा देंगे फेस बैक साइड में भी, और इसको यहाँ से और आगे पीछे से पूरा ब्लू पेपर से कवर कर लेंगे। पहले इसको पेस्ट करेंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ब्लू पेपर कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐसे स्ट्रिप कट करी है, इसको हम अब यहाँ से पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये लग गया है। अब इसके ऊपर भी हम पेपर लगाएंगे, इसी की शेप में हम पेपर कट कर लेंगे। और इसे यहाँ पे ऐसे लगा देंगे।
तरह से ये लग जाएगा। अब हम इसकी आइस लगाएंगे। ये गुगली आइस लिया है मैंने। अब हमने ये ईयरबड लेकर इसको कट कर लिया है, इसके यहाँ पे मोर के ऊपर हेड पर लगा देंगे। इस तरह से अब ये एक पेपर लेंगे कलरफुल, इसके ऊपर इस तरह से बनाकर इसको कट कर लेंगे। इसको यहाँ रख कर देखेंगे। अब इसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक अरेंज करेंगे। अब इन सबको हम पेस्ट करेंगे। ये देखिए इसके एक साइड पे मैंने इसे ऐसे लगा दिया है और आगे यहाँ इस साइड पे हम ये पिकू का फेस लगाएंगे। ये यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब हमें आइसक्रीम स्टिक्स को कट करना है इस तरह से। इस तरह से कट करके ऐसे हमें स्मॉल और बिग पीसेस चाहिए हैं। अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऐसे इधर और इस साइड दोनों साइड हम ये सारा फिल कर लेंगे लगाकर। ये देखिए ये सारे मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, इस साइड भी लगा दिए हैं सब। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इसके लिए ये मैंने ये लिया है, इसको कट करके यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं लगा देंगे।
तरह से इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। और जो ये बॉटल का ऊपर का पार्ट था इसके ऊपर भी अब हम ये आइसक्रीम स्टिक के पार्ट्स लगाएंगे। इस तरह से इसको भी चारों तरफ फुल फिल कर देंगे। ये मैंने इन सब पे ये डेकोरेशन कर दी है यहाँ पे, और यहाँ पे सब स्टोन्स लगा दिए हैं, बैक साइड में भी इधर भी लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर इसकी डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए ये वाला कार्डबोर्ड ही लेंगे और इस पर इस तरह से ड्रॉ करके एक छोटा और एक बड़ा साइज का ये कट करेंगे। इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये ब्लू पेपर इसके ऊपर लगा हुआ मिलेगा हमें। फिर अब इसके ऊपर ये थर्माकोल की गोली लगा देंगे। इसी तरह के हमें और भी बहुत से चाहिए हैं जो कि मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इन सब को हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये बड़ा वाला यहाँ पे ऊपर और ये छोटा वाला। यहाँ लगाएंगे इसी तरह से, यहाँ पे ऊपर बड़े और नीचे छोटे लगाते हुए इसको पूरा फिल कर लेंगे। ये सब यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। अब इस पीकॉक को ये जो स्टैंड बनाया था हमने इसके ऊपर लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये जो पीकॉक की बॉडी है ये भी थोड़ी ऐसा लग रही है, इसके ऊपर इस तरह से ये कार्डबोर्ड के पीसेस लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा पीकॉक रेडी हो चुका है। ये देखिए इसे आप एज अ शो पीस कहीं पे भी रखकर डेकोरेट कर सकते हैं।